सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में आते ही आते हैं। सो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पिछले वीडियोज़ में हमने कुछ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया था एंड ये जो वीडियो है वो पार्ट टू है। एंड आज इस पार्ट टू में भी हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 213 इज इक्वल्स टू 419, 322 इज इक्वल्स टू 924, 415 इज इक्वल्स टू 161,025, देन 215 इज इक्वल्स टू वॉट? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इंग्लिश में भी एंड हिंदी में भी। सो अगर आप कोई कॉलेज का, किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टू हमने ले आया, वन लाया, फिर थ्री, टू इंटू टू कितना, फोर। वन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा। थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन, ठीक है। टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन, थ्री का स्क्वायर नाइन, ठीक है। तो यहाँ पे 419 हमारा निकल आया। अब 322 का भी वैसे ही करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हुआ 9, 2 का यहाँ पे 2 आया और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यहाँ पे 415 कैसे आया, तो 4 का हमने यहाँ पे स्क्वायर किया है तो 4 4 16, 1 का हम यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अब यहाँ पे 215 का हमको ढूंढना है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 1 का सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, राइट। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि 215 के साथ यहाँ पे 4125 आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 24 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 28, 15 प्लस 42 इज इक्वल्स टू 24, 57 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 48, देन 69 प्लस 37 इज इक्वल्स टू व्हाट? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 24 और 35 वाले का काम करेंगे। तो यहाँ पे 2 प्लस 4 अगर हम करते हैं और 4 के बाद प्लस 3 प्लस 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, देखो 4 को अगर हम लोग जोड़ेंगे 5 के साथ तो 9 हो गया, 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे, 14 लिख देंगे और उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, इट मीन्स कि यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद इसका हम लोग कंप्लीट करेंगे 15 वाले का, तो 1 प्लस 5 करेंगे, फिर 5 प्लस 4 करेंगे और फिर 2 करेंगे, तो फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आया। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 24। उसके बाद इसका जो है 57 वाले का, तो 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 24, यहाँ पे जोड़ करके देख लीजिएगा आप लोग। फिर उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 48 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अभी आप यहाँ पे देखिए 15 का ये वाला जो है, ये वाला उसका यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 6 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7 25 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 50, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 50, है ना इजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, मैंने इंपॉर्टेंट ऑलरेडी लिखा भी हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे, अभी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग इंटरचेंजिंग टू साइंस कॉज बोर्ड मास रूल। यहाँ पे हम लोगों को बोर्ड मास का रूल यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 17 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 8, है ना। तो ये क्वेश्चन है, अभी हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है भैया, तो बताती हूँ मैं। तो 17 को तुम 6 प्लस लिखना, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो है वहाँ पे हम लोग डिवाइड लगा देंगे क्योंकि बोर्ड मास में पहले डिवीजन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन लगा देंगे, 2 माइनस यहाँ पे जो है 2 माइनस 3 इन यहाँ पे जो डिवीजन का जहाँ पे साइन देख रहे हो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई अप्लाई कर देंगे 4। तो 17 प्लस 3 कैसे, 3 6 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 2 3 ज़ा 6, तो 17 प्लस 6 देन माइनस 3 इंटू 4। तो 17 को हम लोग 3 में से 3 हम लोग करेंगे, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, 17 प्लस 3 माइनस 12। फिर यहाँ पे 17 को अगर हम 3 से प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 20 एंड माइनस 12, 20 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा हमारा, 8 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे, इट मीन्स कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे मतलब हम लोगों को डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का साइन को थोड़ा इंटरचेंज करना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट द फॉलोइंग बाय इंटरचेंजिंग टू साइंस यूजिंग बोर्ड मास रूल। सेम क्वेश्चन है उसी की तरह। तो क्वेश्चन है भैया हमारा,
25 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 16। क्वेश्चन देख लिया आप सभी ने। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, 25 माइनस 6 इंटू 3, यहाँ पे हमारा 25 माइनस 6 प्लस 3 है। यहाँ पे देखिए आप 25 माइनस 6 प्लस 3, हमने यहाँ पे क्या किया, इंटू 3 लगाया, फिर प्लस करेंगे और यहाँ पे देखिए 36 डिवाइडेड बाई 4 है, तो यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। उसके बाद 25 का 25 रहेगा, 6 3 जा 18, 18 लिखेंगे, फिर प्लस 9 करेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 34 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन का साइन चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मीना इज 11th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो ऑफ गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दैट रो। तो सबसे पहले हम लोग एक रो बना लेंगे, ठीक है, ये एक सही तरीका का है खुद को थोड़ा समझाने का, खुद समझने का। अगर आप समझ लोगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग होने से रहा, एकदम नहीं होगा, ठीक है। तो एकदम आपको एक इस तरीके का लाइन ड्रॉ कर लेना है, 10th रो इधर से भी है और इधर से भी 10th रो है, यहाँ पे 11th है, ठीक है। तो 11 प्लस 10 कितना हुआ, बस 21। सो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इस वीडियो में हम कवर अप नहीं करा सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसी से रिलेटेड अपलोड करूँगी। एंड अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो ये सारे क्वेश्चंस को रीजनिंग का सॉल्व करने का, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।